बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में, और मैं सूरज राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हैं उसकी बात करने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। तो सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या रहने वाले हैं आपके सिलेबस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, और आप याद रखना इन क्वेश्चनों को याद करके 2022 में 85% प्लस लाएंगे। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जैसा ही पेपर आपका होता है पेपर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करेंगे। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 7037327838। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आप तुरंत ही शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको बता सकता हूँ फोटो खींचकर आप शेयर कर दीजिए। और जो भी टॉपर करना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस चैनल का नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड। जी हाँ, खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको एंटरटेनमेंट की वीडियो शूट की जाती है और वहां आपको मिले कराएंगे जल्दी में ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वहां आप गिव अवे भी जीत सकते हैं, बहुत बड़ा आपके लिए वहां ऑफर दिया जा रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और यहां बात करने वाले हैं, देखो ये क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है ग्लाइकोल बनाने की विधि। तो ग्लाइकोल बनाने की विधि पहला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन पे आप टिक लगाइए। आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप लगा सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उनके महत्व को याद कर लेना है। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बनाने की विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल बनाने की विधि को आप याद करेंगे। वही बात करें नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि को भी आप याद करके जाएंगे, साथ ही साथ नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन बनाने की विधि, एनिलीन बनाने की विधि नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि देखो पेपर में अजीब तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी, तो थोड़ा सा आपको हैवी क्वेश्चन तैयार करना होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अचानक से आप भी जाता है तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसको बना बना के करके आता है। यहां बोला गया है पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी के सिद्धांत के बारे में, पराबैंगनी स्पेक्ट्रमी के सिद्धांत क्या है, और कोलतार से फिनॉल बनाने की विधि, कोलतार से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं वो आप याद करेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते, इसमें पूछा जाता है O और P हाइड्रो ऑक्सी जो कह सकते हैं हाइड्रोक्सी जो होता है बेंजलहाइड, उसमें आईआर स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर पूछता है। मैं ही आपसे पूछता है कि एसिटोफिनोल और पी मेथल एसिटोफिनोल में आईआर के स्पेक्ट्रम के आधार पर अंतर आपको बताना होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हुआ है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गेमा, देखो जो होता है गीगरमान संश्लेषण, गीगरमान संश्लेषण क्या होता है, इसके ऊपर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करके जाएंगे। और यहाँ बोला गया गेटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी आप याद करके जाएंगे, गेटरमान कोच और गीगरमान। ठीक है, और एल्डोन संघनन क्या होते हैं आप इसको पढ़ के जाएंगे, और रीमन टीमन अभिक्रिया को वही याद करके जाना है आप सभी को। रीमन टीमन अभिक्रिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पेपर में यही क्वेश्चन छपेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपको फेल करने वाला कोई वादा नहीं है, आप इन क्वेश्चन को याद करके रट के चले जाते हैं। तो यहाँ बात करने वाले कैनिजारो अभिक्रिया को भी आप याद करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद में देखो वीएल एमाइड के नियम को आप याद करना है, एल्डो बेंजाइन संघनन को भी याद कर सकते हैं, जो छोड़वा रहा उसको छोड़ देना है। और उसके बाद में विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है इसको भी आप याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखिए बोला गया है रिडक्शन क्या होता है, और एंटी देखो एसिटोफिनॉल बनाने की विधि को भी आप याद करेंगे, और उसका यूज कहाँ होता है, एसिटोफिनॉल का यूज कहाँ होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और सेट्रिक अम्ल, और उसके बाद में आता है टार्ट्रिक अम्ल, इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में आता है देखो एसिटो एसिटिक एस्टर बनाने की विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसिटो एसिटिक एस्टर जिसे हम इथाइलिन एसिटो एसिटेट के नाम से जानते हैं, इसको बनाने की विधि आप अच्छी तरीके से याद करना। और उंगली छाप क्षेत्र क्या होता है जिसे फिंगरप्रिंट बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और एसिटोमाइड क्या होता है, एसिटोमाइड और एसिटोफिनॉल बनाने की विधि, ये दोनों आप अच्छी तरीके से बनाने की विधि को देखेंगे। और देखो कॉल्बी अभिक्रिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपसे पूछता है कि ब्रेटिंग अभिक्रिया क्या होती है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के बारे में पढ़ के जाएंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अल्कोहल जो होते हैं उसे ग्रिग्नाइड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड अल्कोहल को बनाने की विधि क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में एपॉक्साइड क्या होते हैं, एपॉक्साइड बनाने की विधि, एपॉक्साइड को एथिलीन ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसको बनाने की विधि को याद कर लेना है। लास्ट में अमीन बनाने की विधि, और प्रकार कितने होते हैं अमीन के,
वीएल लेमार्ड का नियम मैं ऊपर दे चुका हूं तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो सेलिलिसिक अम्ल जो होता है उसको बनाने की विधि, बस इतना क्वेश्चन पढ़ लेना है। 2022 में यदि आप टॉप बन करने वाले हैं, 85% प्लस लाएंगे तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ना पड़ेगा। तो वीर बहादुर और जो जितने अनदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से मेरी यूनिवर्सिटी मतलब जो बता रहा हूँ वही पढ़े, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी को अपलोड कर रहा हूँ। अभी ये जो यूनिवर्सिटी का अपलोड है वो है अवध यूनिवर्सिटी के लिए जो फैजाबाद में है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और लिंक एक दूसरा चैनल जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए प्लीज यार, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। और मानिक अभिक्रिया भी आप याद करना, मानिक अभिक्रिया भी लास्ट में आप पढ़ के जाना, मानिक अभिक्रिया, बस इतना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। थैंक यू।